सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात से ही हमारा पुलिस बल और अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो परिजन है उनके भी संपर्क में हैं। और अभी क्योंकि पीएम वहाँ पे चल रहा है, जैसे ही वहाँ से मूवमेंट होगा डेड बॉडी का, यहाँ पे परिजनों के संपर्क में हैं और जो भी यहाँ व्यवस्था इन लोगों की है अंतिम संस्कार की, उसके बारे में बात चल रही है, हो जाएगा। तो जनाजे के नाम जब निकलेगा तो भारी भीड़ होने की उम्मीद है, उसका इंतजाम किया गया है, परिजनों से भी कहा गया है। इस समय आचार संहिता भी लगी हुई है, पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के निर्देशन में काम भी कर रही है, ये इनको भी मालूम है। और बाकी अपील की गई है, नियंत्रित रहेगा सब चीजें। जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर क्या रोकते हैं? पूरे जनपद की सभी मस्जिदों में पुख्ता पुलिस व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था को लेके सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, पर्याप्त फोर्स हमारे पास उपलब्ध है और मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और यहाँ पर भी लोगों से कहा गया है कि वो लोग परिवार से मिलकर निकलते रहें, कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लगी है, सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, एक जगह पे इकट्ठा होना मना है। तो वही लोगों को समझा रहे हैं और यही सबसे अनुरोध है कि संयम बरतें और परिवार से मिलकर के अपना निकलते जाएं। मैडम, आज जुम्मे की नमाज भी, उसको लेकर क्या? जुम्मे की नमाज के लिए भी सभी तैयारी है, सभी इमामों से बात हो गई है हमारे प्रशासनिक टीम की और सभी जगह ड्यूटियां हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा कराई जाए। मैडम, बाड़ी जो कब तक आने की उम्मीद है, क्या जानकारी? अभी नहीं कह सकते क्योंकि हम जिला प्रशासन बांदा से टच में हैं और वहां पर जो पंचनामा और बाकी पेपर वर्क होता है वो सब चल रहा है टीम की कार्रवाई के लिए, और जैसे ही वहां से सूचना आएगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा।